अच्छी होंगी। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है सभी को। गुड मॉर्निंग, और सुबह से आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। बिस्तर अच्छे से लगा दिए थे, उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ और लगाऊंगी पोछा। सुबह से आज स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। आप लोग बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना। और यहाँ पे मेरा पोछा मैंने कम दिन लगा लिया, थोड़ा क्लिप लिया है, थोड़ा लिया है, और क्योंकि काम भी बहुत हो जाते हैं। 9 बज गए थे और काम तो नहीं होते कभी ख़त्म। अभी नहाऊंगी, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं वो भी धुलूंगी। और मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट अभी सुबह से कर दूँ। कमरे में लगा लिया था और बाहर लगा दूँगी, थोड़ा थोड़ा ले लिया है क्लिप। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। और होली की भी तैयारी करनी है, देखो खोया बनाऊँगी, शाम को बनाऊँ या सुबह बनाऊँ देखो कब बनाती हूँ, क्योंकि होली के 2-3 दिन बचे हैं अब। तो काम तो बहुत हो जाते हैं घर में, तो आज मैं सोची सुबह से स्टार्ट कर दिया ब्लॉग बनाना। यहाँ पे कम टाइम लग गया था, थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है, टाइम तो काफ़ी लग जाता है। किचन में लगाया, किचन का नहीं लिया मैंने, कट कर दिया, काफ़ी बड़ा हो रहा था वीडियो। बाहर लगा लूँगी, साइडों में मैंने इधर से लगा लिया था, किचन के साइड से पूरा इधर लगा दूँगी बाहर। और उसके बाद कपड़े धुलूँगी, कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं सर्फ में। नहा लिया था, पूजा कर ली थी, कपड़े भी धुल के रख दिए हैं मैंने, वो अभी डालने जाऊंगी ऊपर। और ये सब्जी जो शाम को आई थी ये ऐसी पन्नी में रखी थी, और इसे निकाल लूँगी, धुलूँगी, सब्जी बनाऊँगी। और आज मैं डायरेक्ट खाना बना रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, कपड़े पर धुले काफ़ी टाइम हो गया है। सब्जी के लिए और सोचो, एक तो बाज़ार गई कल, वहाँ पर सोचते रही क्या खरीदूँ, एक तो बंद गोभी है, ये भी नहीं अच्छे लगते रोज रोज। लौकी भी थी नहीं ली, अच्छी मुझे नहीं लगती है खुद, और यही सब लेके आ गई थी सब्जी। तो आलू मटर की बनाऊंगी सब्जी, पहले सोच रही थी सूखी बनाऊं, लेकिन सूखी नहीं बनाई, बच्चे नहीं खाते हैं, सूखी सब्जी बनेगी तो चावल नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए रसीली बनवाई। और रसीली बनाई थी मटर आलू की सब्जी। 11:30 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, थोड़ा फास्ट भी कर दिया है। और बने रहना आप लोग, पूरा वीडियो जरूर देखना। और इधर सब्जी काट ली थी मैंने, और प्याज काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी, कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म हो रहा है, तो ये सब काट के रख लूँगी। इतना झरपीला था प्याज, मेरे तो आंसू आ रहे थे, बहुत झरपीला है। और फिर मुझे चाकू धुल के काटना पड़ा, थोड़ा दूर मैंने रखा प्याज। और इधर तेल गर्म हो गया था, जीरा हींग डाल दिया और प्याज डाल दूंगी। सादा सिंपल है, सब्जी बना लूंगी। और तो होली भी आ गई, 2 दिन बचे हैं, 2-3 दिन है, 17 की है होली। गुजिया भी बनाऊंगी, बहुत टाइम लगता है गुजिया बनाने में, और साँचा जो होता है गुजिया का, वो मैं ढूंढती रही नहीं मिला मुझे। फिर कल जब मैं मार्केट गई तो फिर वहाँ से एक लेके आई, वो ढूंढूंगी, लेकिन वो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं मिला, क्योंकि अच्छे से बंद नहीं हो रहा। वो मैंने खरीद लिया, हस्बैंड जब सुबह आए तो बोल रहे तो अच्छा बिल्कुल नहीं लेके आई। ढूंढूंगी जो मेरा था पिछले साल का, पता नहीं कहाँ रखा है, देखूंगी बैडर में कहीं। और मसाले हो गए थे, इसमें मटर डाल दी है। पहले तो मैं सूखी की वजह से मैंने कढ़ाई रखी थी, अगर पता होता रसीली बनानी है तो मैं कुकर में बनाती, लेकिन बच्चे मेरे नहीं खाते हैं तो मुझे रसीली करनी पड़ी। जा के रख दूँगी नमक डाल के, चावल कर लूँगी साफ, और जो ये मसाला जाले इधर मसालेदानी थी और सामान इधर उधर हो जाता है उठा लूँगी, धुल के रख दूँगी, और ये फ्रिज में बाद में रखूंगी, ये सूख जाएगी थोड़ी, जब तब तक धनिया काट लूंगी और सब्जी बन जाएगी, तब तक चावल बना लूंगी। और आटा तो बना रखा है, रोटी सेक लूंगी थोड़ी, और आज ज़्यादा वैसा नहीं है खास। आप लोग देख लेना पूरा वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। हस्बैंड भी खड़े थे मेरे, तो कुछ बात कर रही थी, बस उधर हटा दी थी मैंने। और आज नाश्ता नहीं बना ना, तो आज सब आगे पीछे हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि आज लेट हो गए, कपड़े उपड़े थे, और थोड़ा मैं थोड़ी बैठ गई थी आज,
कभी कभार मन नहीं होता काम करने का, काम तो करना है, मन हो या ना हो फिर भी काम तो करना है। और ये भी चावल भी रख दिए हैं और सब्जी भी हो गई थी, इसमें थोड़ा मसाला डाल दूँगी, सब्जी मसाला और धनिया हरी काट के रखी है जो सब्जी बन गई है। थोड़े थोड़े लिए हैं किले, फिर भी इतना बड़ा हो जाता है, काफ़ी मैंने कट कर लिया है, काफ़ी ऐड नहीं किया है, काम तो बहुत होते हैं घर में। और ये हो गई है सब्जी, निकाल दूँगी, बर्तन भी हो जाएंगे बाद में धुल बना ली। और चावल रख दिए हैं बनने के लिए, आटा गुला हुआ रखा है, रोटी सेकूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बनाऊँगी, कपड़े धुले रखे हैं, बुझाऊँगी ऊपर डालने अभी, तो आप लोग भी चलिए ऊपर। देखो ऊपर जा रही हूँ, पहले बाहर का गेट बंद कर दूँ, खुला हुआ है तो जाऊँगी ऊपर। पोछा ओछा लगा लगा है, सब कर ले जाता, कपड़े भी धुल रही थी, आके बैठ गई। मैंने सोचा मैं गेट बंद करने गई, मैंने सोचा लड़की आ गई कपड़े लेके ऊपर, मैं भी चली आई पीछे पीछे, वो खाली आई अब बोली चीज लेने गई, मैं बोली थक गई मैं, तीसरी मंजिल पर चढ़ गई, वो लेने गई है, तब तक मैं बैठ गई, बहुत चटक तो सच में आँख निकली थी मेरी तो। बने रहना पूरा वीडियो देखना, आप लोग होली भी आने वाली है, होली के लिए तैयारी करेंगे। देखो आज सोच रही हूँ आज खोया बनाऊँ या फिर कल सुबह बनाऊँगी, तो काम नहीं समझता है, फिर खोया के लिए बहुत टाइम लगेगा, खड़े होकर बनाऊँ या तो नीचे गैस रखूँगी फिर बनाऊँगी, आराम से बैठ के काम वाम समेट के उसके बाद करूँगी। चलिए कपड़े डालूँगी, अभी वो वजह अभी नहीं आई, आ गई सच में, इतनी चटक है तो आँख नहीं खुल रही मेरी तो। आ गई, चल कुछ ज्यादा ही चटक दो, जहाज निकलते आप आ जाते हो रिया, बहुत चटक दो सच में। इतनी गर्मी लग रही है, नीचे पता है मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, मुझे ठंड लगती है अभी भी, सुबह शाम में लगती है नीचे ठंड आता है ये, और ऊपर गई तो पसीना निकल आया, बहुत धूप थी बहुत ज़्यादा चटक। ये दो घंटे में सूख जाएंगे आराम से, मंगा लूँगी डाल दिए हैं, अपनी बहुत धूप है, और पता है मेरा बुरुस भी आ गया कपड़ों के साथ। चलो आ जा नीचे, आ जल्दी, आ जा चलो, आ जल्दी आ जा, ये खुला है। अरे बाप रे, बहुत चुप, नीचे आ गई थी, बना लूंगी रोटी, थोड़ा लिया है किलो, खाना बन के हो गया है रेडी, बच्चों को दे दिया है मैंने, अभी नहीं खाया है खाना, अब यहीं पे वीडियो का एंड करूंगी, काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो तो इसलिए। और सभी को एडवांस में हैप्पी होली, और जो न्यू आते हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।